Welcome back, friends, to our channel English Speaking with Gary. This is daily use sentence and proper manner lecture 11. तो देखिए friends, जो कोई पहले दिन जिन्हें हमारा आज का चैनल देख रहा है ना, आज का वीडियो देख रहा है, या फिर कोई पहला पुराना बंदा है और उसने मेरा का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ. ठीक है ना, बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर के वीडियोस हैं और वो जो आप देखकर आप अपना बहुत बढ़िया सिस्टम बना सकते हो आगे इंग्लिश का. तो एक ही सेंटेंस आज का पहला सेंटेंस है जो फ्रेंड्स, वो ये रहा इमर्ज. इमर्ज मीन्स उभर के सामने आना. इमर्ज मीन्स उभर के सामने आना, कम इन टू व्यू. जैसे मैंने सेंटेंस बनाया है नाउ, अब ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम्स. अब वो स्ट्रेस है, जो दबाव है, जो दबाव बना हुआ था उसके दिमाग में एग्ज़ाम का, ठीक है, वो उसमें से उभर कर आ गया, सामने आ गया, उसमें से उभर गया, ठीक है ना, उसमें से निकल गया. तो इसका सेंटेंस आप कई जगह पे आप बना सकते हो कि भाई वो किसी चीज़ इसमें उभर गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ बनाकर कि वो उभर के सामने आई, उसका अस्तित्व सामने आया, बहुत सा बना सकते हो. और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूँ, जो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, जो इसकी जगह पे इमर्ज की जगह पे आपको मिलने को आपको दिखने में आ सकते हैं, जे यू टी जट, कम आउट, तो सिंपल ही है, कम आउट इन अ व्यू, ठीक है, तो निकल कर सामने आना, निखार कर, निखर कर सामने आना, राइज और एग्रेस, ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं, ये इमर्ज की जगह पे यूज़ हो सकेंगे. तो आप आराम से अगर कहीं और भी आ रहा है, आपको पढ़ रहे हो आप, तो जट लिखा हुआ है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देख लेना है कि भाई इसका मतलब इमर्जी है, इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस और वर्ड्स निकाले हैं आपके लिए सिमिलर वर्ड्स, ठीक है ना. देन द नेक्स्ट वन इज उसे शराब चढ़ गई है. उसे शराब चढ़ गई है को कैसे लिखेंगे आप, उसे शराब चढ़ गई है, द वाइन हैज गोन टू हिज हेड. द वाइन हैज गोन टू हिज हेड. वाइन उसके दिमाग में चढ़ गई है, उसको बहुत चढ़ गई है, हम बोलते हैं ना स्पेशल, यार उसको तो बहुत चढ़ गई है, उसको घर जाना मुश्किल है, या उसको तो बहुत चढ़ गई थी इसलिए मैं साथ में लेकर नहीं आया, या इसलिए मैंने उसको कार करा दी, इसलिए मैंने उसको रिक्शा करा दी. द वाइन हैज़ गॉन टू हिज हेड, वैसे बोलना, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अपनी सीट बेल्ट बांध लो. हम कहते हैं ना अक्सर रोज़ गाड़ी में बैठते हुए हम कहते हैं, या कोई और बैठा होता है हमारे साथ उसको कहते हैं, या हमारा फैमिली का मेंबर बैठा होता है उसे कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो. तो कैसे कहेंगे अपनी सीट बेल्ट बांध लो आगे से इंग्लिश में, फास्टन योर सीट बेल्ट. फास्टन योर सीट बेल्ट. अगर आपने कहना हो कि अपनी सीट बेल्ट खोल लो, तो अनफास्टन योर सीट बेल्ट, ठीक है फ्रेंड्स. अगर बांधने के लिए कहना है तो फास्टन योर सीट बेल्ट, अगर खोलने के लिए कहना है तो अनफास्टन योर सीट बेल्ट. देन द नेक्स्ट वन इज उन्हें पीटा गया. उन्हें पीटा गया, हम कहते हैं ना वो, यार उन्हें तो बहुत बुरी तरह पीटा गया. उन्हें पीटा गया, दे वर बीटन. उसे पीटा गया, ही वॉज. ज़्यादा के लिए भर आएगा, कम के लिए वॉज आएगा, ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए वॉज आएगा, ही वॉज बीटन. उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया, दे वर बीटन बिटरली. ये उन्हें बुरी तरह पीटा गया, अगर उसे बुरी तरह पीटा गया, ही वॉज बिटन बिटरली,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये अक्सर आता है और ये बहुत बढ़िया इम्पल्सिव बना देता है आपकी इंग्लिश को, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई करता है और आपका स्टेटस भी मेंटेन करता है ये सेंटेंस। तो नेक्स्ट वन इज, मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, मुझे अब मक्खन मत लगाओ। ठीक है, तो कैसे कहेंगे मुझे अब मक्खन मत लगाओ, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, मुझे अब मक्खन मत लगाओ। ठीक है ना, रहने दो, मुझे अब मक्खन मत लगाओ। देन कैसे कहेंगे, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, तो उसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यार थोड़ा मक्खन तो लगाओ उसे, थोड़ा मक्खन तो लगाओ उसे, हम कहते हैं ना कि भाई ऐसे नहीं बात मानेगा यार, तू तो सीधा बात करने चला गया, थोड़ा मक्खन तो लगाओ उसे। तो बटर हिम अप ए बिट, बटर हिम अप ए बिट, मुझे मक्खन मत लगाओ, डोंट ट्राई टू बटर मी अप, यार उसे थोड़ा मक्खन तो लगाओ, बटर हिम अप ए बिट, बटर हिम अप ए बिट, उसे ज़रा मक्खन तो लगाओ। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं दिन में। तो भाई आगे से आपने हिंदी में नहीं, इसमें ही बोलना है भाई। ठीक है ना, देन द नेक्स्ट वन इज, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, दिस वुड बी नाइस, दिस वुड बी नाइस, वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये वो अच्छा लगेगा, दैट वुड बी नाइस। तो ये भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ये अच्छा लगेगा, दिस वुड बी नाइस, नहीं नहीं वो अच्छा लगेगा, दैट वुड बी नाइस। देखिए हैं छोटे सेंटेंस पर बहुत बहुत वैल्यू रखने वाले हैं और आपका रोज़ यूज़ होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ठीक से नहीं सो पाया, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मैं ठीक से नहीं सो पाया, आई एम नॉट स्लेप्ट का मतलब सोया साउंडली का मतलब अच्छे तरीके से, गहरी नींद में, गहरी नींद में नहीं सो पाया। हम कहते हैं ना यार मैं रात को ठीक से नहीं सो पाया, तो उसके लिए उसे ऐसे कहना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियोज एंड आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, टिल बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।